बिहार के पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने गिरिधर अरमानी सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार से उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात कर राज्य के विभिन्न एनएच परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सचिव सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के साथ उक्त बैठक काफी सकारात्मक रही और राज्य की कई लंबित परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन व उसमें गति लाने पर सहमति बनी। निर्णय हुआ है और अब इसके दृष्टि से बहुत ही जल्द एक टीम आकर इसका रिपोर्ट तैयार करेगी। साथ ही साथ जो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे है, जो जिसमें बिहार के जिम्मे करीब 417 किलोमीटर थे, उसमें भी इस बात पर सहमति बनी है कि जो हमारे बड़े शहर हैं उनको स्पर से और उनके बगल से पैरेलल रोड से हम लोग जोड़ेंगे, ताकि एक्सेस कंट्रोल भी उसमें रहे और जहाँ भी मेजर सिटी या डेस्टिनेशन हैं उसको स्पर के माध्यम से जोड़ा जा सके। तो यानी जो 417 किलोमीटर का हम लोग का पैच था गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस का, उसमें जो मेजर शहर गुजरेंगे उनको भी कनेक्टिविटी देने के लिए केंद्र सरकार ने सहमति दे दिया है। इसके अतिरिक्त आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, जो हम लोग का काम सभी निविदा हो गई है, आमस दरभंगा में भी स्पर का डिमांड हम लोगों ने राज्य सरकार ने किया था, तो बोध गया और राजगीर को संपर्कता प्रदान करने पर सहमति बन गई है। यानी अब आमस दरभंगा डायरेक्ट से बोध गया भी जुड़ेगा और राजगीर भी जुड़ जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ ऐसी योजनाएं थी जो लगातार स्लो चल रही थी, जिसको लेकर आप भी लगातार इस विषय के लिए चिंतित रहे होंगे। उसमें सबसे ऊपर था हाजीपुर छपरा और पर भी निर्णय ये हुआ है कि जो भी टीम लगाई गई है, जो एजेंसी काम कर रही है, उस पर तुरंत से इसी महीने निर्णय लिया जाएगा और उसके काम को स्पीड करके, चाहे उसे काम लेने की आवश्यकता पड़े या किसी और उसी सिस्टम में और कैसे काम को गति प्रदान की जाए, इस पर निर्णय हुआ है। और वहाँ पर उसी के सेकंड पार्ट एक और योजना है जो काफ़ी दिनों से बिहार में चिंता का विषय था, महेशकूट सहरसा पूर्णिया NH 107, इस पर भी स्पीड बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आग्रह किया है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट दोनों योजना है जो काफ़ी समय से धीरे चल रही थी। इसके अलावा जो पटना डोभी का स्ट्रेच है, जिसको हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट पटना डोभी हम लोग 2022 दिसंबर तक कम्प्लीट करने की योजना में हैं, उस पर काम, उसका भी 2.8 किलोमीटर जो पटना से नाथूपुर का था, जो मामला फंसा हुआ था, उस पर भी सहमति बन गई कि उसको चेंज ऑफ स्कोप के तहत तुरंत में काम उसमें भी लगाया जाएगा। यानी जो पटना अभी तक हम लोग SH नाथूपुर से पटना डोभी बन रहा था, अब पटना से वो डायरेक्ट 2.8 जो सरिस्ताबाद के पास से था, सरिस्ताबाद नाथूपुर से 2.8 किलोमीटर की चेंज ऑफ स्कोप के साथ काम देने का तुरंत हो गया है निर्णय। तो ये पटना वाला स्ट्रेच भी हम लोग का सीधे जुड़ जाएगा।